गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ऋचा आज आपके लिए ये ईवीएस की क्लास लाई हूँ। हमारा टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। हम हर वीडियो में 25-25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो हम अब तक 50 क्वेश्चन के वीडियो बना चुके हैं इससे पहले दो वीडियो में। आज हमारा ये टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज का तीसरा वीडियो रहेगा, जिसमें हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने आज के इस क्वेश्चन सीरीज की तरफ चलते हैं और 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पर्यावरण अध्ययन NCERT की बुक से लिया गया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस अर्थात वर्ल्ड वेट लैंड डे कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर कौन सा विवादास्पद बांध बना है। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। दोस्तों, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, जो कि गुजरात में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत शामिल है। तो 3R सिद्धांत अर्थात 3R किसे कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को। ये हम जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनके लिए ये 3R कॉन्सेप्ट को दिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा की वजह से होता है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रैक्स रोग किसके कारण होता है। तो एंथ्रैक्स रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, रेड डाटा बुक जो कि लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची देता है, किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो रेड डाटा बुक जो कि लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची देता है, यह IUCN द्वारा बनाया जाता है। IUCN का फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज होता है। तो दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन बन जा रहा है। पहला तो, रेड डाटा बुक में क्या होता है। तो रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची तैयार होती है, और रेड डाटा बुक का निर्माण कौन सी संस्था करती है, तो ये IUCN द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश में उगने वाले पौधों को हेलियोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ये पर्यावरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये UPTET और UP के जो सहायक अध्यापक परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वायुमंडलीय आर्द्रता किस यंत्र द्वारा नापा जाता है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो चिपको आंदोलन दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा, ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन का मतलब ये था कि उत्तराखंड में जो जंगलों की कटाई हो रही थी, तो वहाँ के जो निवासी थे वो पेड़ों से चिपक के उस जंगल की कटाई को रोक रहे थे, तो इसीलिए उसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। वो पेड़ों से चिपक गए थे ताकि उसे ना काटा जा सके, और ये सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट पीने से एक गैस निकलती है, वो गैस कौन सी है। तो सिगरेट पीने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में पारा विषाक्तता के कारण होने वाली बीमारी का क्या नाम है। जापान में जो पारा विषाक्तता की वजह से बीमारी होती है वही पूछ रहा है। तो इस बीमारी को मीनामाटा रोग कहते हैं, जो कि जापान में नदियों के पानी में पारा की विषाक्तता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के पौधों को उगाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब पौधों को बिना मिट्टी के द्वारा उगाया जाता है, तब उन्हें ही हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडीजल की फसल के अंतर्गत क्या आता है, तो बायोडीजल की फसल के अंतर्गत जेट्रोफा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ये कब पारित हुआ था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन भूमंडली तापन का क्या कारण है, आजकल आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो वही पूछ रहा है कि इस भूमंडली तापन का क्या कारण है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण भूमंडली तापन बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन में। फिर इसी में एक पॉइंट है कि जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो ये विषुवत रेखा में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, दोस्तों हमारे सूर्य की किरणों में यूवी रेज पाई जाती है जो कि बहुत ही हानिकारक होती है, इन यूवी रेज को अर्थात पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से समतापमंडल रोकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो फसलों के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी होती है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किस सुधार हेतु था, तो गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसीबल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, निम्न ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, डीजल पेट्रोल या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी ईवीएस की, जो कि टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये आपके आने वाले सभी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम जिसमें कि पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक आना है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।